सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मैंने एसईओ टीवी और मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं छुरिया से आई हुई रिपोर्टर ताहिर खान की खास खबर। छत्तीसगढ़ कांग्रेसियों ने सुबह से दुकानों को बंद लेकर मांगा सहयोग। खबर था लोहारी डील कांड को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने किया बंद का आह्वान। दुर्ग में बंद बेअसर रहा। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ कांग्रेसियों ने सुबह से दुकानों को बंद लेकर मांगा सहयोग। प्रदेश के कवर्धा जिले में गत दिनों हुई घटना को लेकर कांग्रेस कमेटी द्वारा दिन शनिवार को बंद का आह्वान किया गया, जिसके चलते नगर पंचायत छुरिया में बंद को लेकर सुबह से कांग्रेसियों ने खुल रहे दुकानों को बंद करने स्थानीय दुकानदारों से सहयोग मांगा, जो दोपहर 12 बजे के बाद कुछ दुकानें धीरे धीरे खुलते नजर आया। आपको बता दें कि मामला कवर्धा जिले के अंतर्गत आने वाले लोहरी डह को बीते रविवार को बहुत बड़ा मामला सामने आया, जिसके चलते पुलिस ने सैकड़ों की संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया। वही उनमें से गिरफ्त में आए प्रशांत साहू की मौत हो गई। बताया गया कि लोहारी डह गांव में पुलिस प्रशासन द्वारा बर्बरता की गई, महिला हो या पुरुष पुलिस ने बहुत पीटा। नतीजन गिरफ्तार हुए प्रशांत साहू की थाने में इतनी पिटाई हुई कि उसने दम तोड़ दिया, जिसके बाद मामला इतना बड़ा कि शासन प्रशासन ने शांति व्यवस्था को दुरुस्त करने दोषी अफसरों पर कार्रवाई करते हुए ट्रांसफर किया तो किसी अधिकारी को सस्पेंड किया। छत्तीसगढ़ के विपक्ष में बैठे कांग्रेस के नेता मंत्री प्रताड़ित हुए लोगों से मिलकर उनके साथ हुई बर्बरता के बारे में जाना, जिसके बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुलिस प्रशासन की बर्बरता पर सरकार को आड़े हाथ लिया। वही जिसके चलते प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा शनिवार को छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया। इसी तारतम्य में जिला राजनांदगांव अंतर्गत आने वाले ब्लॉक मुख्यालय छुरिया नगर पंचायत में स्थानीय नेता कार्यकर्ताओं ने सुबह से बंद को लेकर दुकानदारों से सहयोग मांगा। वही कानून व्यवस्था बनाए रखने छुरिया तहसीलदार व थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ नजर आए। उस बंद को लेकर खुज्जी विधायक भोलाराम साहू, जिला महामंत्री, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, ब्लॉक कार्यवाहक अध्यक्ष, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष व अन्य कार्यकर्ता नगर में घूमकर लोगों से अपील की, लेकिन जैसे कांग्रेसी नगर से गायब हुए दुकानों के शटर 12 बजे के बाद खुलते दिखाई दिया। आज जो है नगर पंचायत छुरिया में बंद का आह्वान किया गया है, उसके बारे में बताएंगे आप। आज का बंद जो है हमारे आदरणीय पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैस जी के निर्देशन में पूरे छत्तीसगढ़ जो है बंद है, और ये बंद का वजह आप सब लोग जानते हैं कि भाई कवर्धा जिले के लोहारी डीह में एक साहू समाज के 3 व्यक्ति का हत्या कर दी गई है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर जो है नगर बंद और पूरे छत्तीसगढ़ बंद का आयोजन किया गया है। तो ऐसे में क्या यहाँ जो है दुकानों से समर्थन में सहयोग मिला आप लोगों को? छुरिया का पूरे दुकानदार सहयोग और समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी का ही ये नहीं है, ये तो पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए बहुत बड़ा एक धब्बा है कि पुलिस के कस्टडी में रहकर उसकी जो है मार के कारण मौत हो गई एक साहू जी। आई बढ़ते अगली खबर की। कवर्धा लोहारी डीह कांड को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने किया बंद का आह्वान। बता दें कि कवर्धा लोहारी डीह में हुए बर्बरता से पुलिस कस्टडी में हुए प्रशांत साहू की मौत को लेकर कांग्रेस पार्टी का एक दिवसीय बंद का आह्वान किया गया था, जिसमें बेमेतरा जिले के नगर पंचायत सजा देवकर धमधा खमरिया परपोड़ी नगर को शांतिपूर्ण तरीके से सुबह से 3 बजे तक बंद रहा। आइए देखते हैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से आई हुई रिपोर्टर रोहिता सिंह भुवाल की खास खबर। दुर्ग में बंद बेअसर रहा। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था के बदहाली को लेकर कांग्रेस का प्रदेश स्तरीय बंद का आह्वान किया गया था, जो दुर्ग में बेअसर दिखा। वहीं शहर की प्रमुख मार्केट के सभी दुकानें खुली रही। वहीं सुबह से शहर को बंद कराने निकले शहर कांग्रेस के प्रमुख दिग्गज नेताओं में दुर्ग शहर के पूर्व विधायक अरुण वोरा, पूर्व महापौर आर.एन. वर्मा, महापौर धीरज बाकलीवाल सहित कांग्रेस के पार्षद और कुछ गिनती के कार्यकर्ता मौजूद थे। सभी ने पुराना बस स्टैंड में इकट्ठे होकर आसपास के दुकानदारों को दुकान बंद करने अपील करते दिखाई दिए, लेकिन उनके हटते ही अपनी दुकान के शटरों आदि खोलकर बैठे दिखे। भारतीय जनता पार्टी की 9 माह के शासन काल में प्रदेश में कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति
से लोग बाग भयभीत हो गए हैं, त्रस्त हो गए हैं। आप इन 9 माह में देखेंगे, रोज पेपर उठा के देख लीजिए, प्रदेश के हर जिलों में कहीं ना कहीं 5 से 6 अपराध की समाचार छप रहे हैं और ये अपराध इतना बड़ा। छत्तीसगढ़ आज बंद है, उसी कड़ी में दुर्ग शहर भी पूर्णतः बंद सफल रहा है। 9 महीने में प्रदेशवासी हलाकान हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। महिलाएं घर से बाहर निकलने में उन्हें डर लगने लगा है कहीं कोई हादसा ना हो जाए। इतनी असुरक्षा तो पहले कभी दिखलाई नहीं दी। क्राइम कंट्रोल करने में ये सरकार पूरी तरीके से विफल रही है। कानून व्यवस्था की इतनी ज़्यादा जर्जर हो गई है कि लोग अब दहशत में आ गए हैं। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। कवर्धा की घटना ने तो लोगों को हिलाकर रख दिया है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार ऐसी घटना देखने को मिली कि जब ऐसा लोगों। अब आप हमारे न्यूज़ चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNSUSTB ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इस यूट्यूब लाइक भी दे सकते हैं। अब वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का, ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNSUSTV पर। नमस्कार।